जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर में बनने वाले घरों की, तो कंटेनर हाउसिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंटेनर स्पेसेस को यूज करना काफी मॉडर्न और काफी इजी दिखाई पड़ता है। तो आइए जानते हैं कंटेनर हाउसिंग क्या होती है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या हम फ्यूचर में इस टाइप की हाउसिंग को अडेप्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंटेनर हाउसिंग में उन पुराने कंटेनर्स को इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, लेकिन आजकल हम इसको रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस के जैसा यूज कर रहे हैं। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में ये काफी टाइम से पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में अभी कंटेनर हाउसिंग की डिमांड थोड़ी कम है। इंडिया में अभी हम इनको कमर्शियल स्पेसेस में ज्यादातर यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम एक छोटे कॉफी हाउसेस बना देते हैं, इनके अंदर छोटा कोई रेस्टोरेंट हम इसके अंदर बना सकते हैं, या फिर कोविड टाइम में आप देखें तो बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स इन कंटेनर्स में बनाए गए थे, या फिर आपको किसी जगह पर आपको परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं करना है वहां पर भी हम इन कंटेनर्स का इस्तेमाल काफी कर रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर भी इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि काफी और डिमांड इसकी बढ़ने वाली है। तो कंटेनर्स की अगर बात करें तो कंटेनर्स जनरली 10 फीट, 20 फीट और 40 फीट के साइज में आते हैं, और इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 8 फीट से लेकर 10 फीट तक की रहती है। तो आप ये मान लीजिए कि आपको एक छोटे कंटेनर के अंदर 100 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाता है और एक बड़े कंटेनर के अंदर 400 स्क्वायर फीट का एरिया आपको मिल जाता है, और बाकी इनके अंदर कस्टमाइजेशन भी किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कंटेनर स्पेसेस बनाते हैं, वो आप कमर्शियल में लें या रेजिडेंशियल में, वो आपके डिमांड के हिसाब से आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कंटेनर हाउसिंग को अडेप्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये मूवेबल हाउसिंग का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको शिफ्ट करना पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए आपको किसी जगह पर सर्टेन पीरियड के लिए रुकना है, या फिर वहां पर आपको स्पेस चाहिए अपना ऑफिस बनाने के लिए, या फिर आपको रहने के लिए वहां पर स्पेस चाहिए, और अगर आप आरसीसी का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव और काफी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो वहां पर आप कंटेनर हाउसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब तक आपको वहां पर जरूरत है उसकी, आप उसको वहां यूज कीजिए, और जब आपका वहां से टाइम खत्म हो जाता है या फिर आपका वहां पे काम खत्म हो जाता है तो आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट है कंटेनर हाउसिंग का। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि ये बनने में बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करते हैं। कंटेनर हाउसेज या फिर ऑफिसेज का बहुत ज्यादा इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपका जो आरसीसी का कंस्ट्रक्शन है वो मंथ और इयर्स तक भी चल सकता है, वहां पर कंटेनर हाउसिंग को बनाने में सिर्फ चंद हफ्तों का समय लगता है। तो अगर किसी को बहुत ही ज्यादा जल्दी किसी स्पेस को यूज करना है तो कंटेनर हाउस बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एग्जीबिशन स्टॉल्स जो हमारे लगाए जाते हैं, जो कुछ दिन के लिए किसी शहर में और कुछ दिन के बाद फिर किसी और शहर में लगते हैं, तो वहां पर भी कंटेनर्स का काफी इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा पॉइंट आता है डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। कंटेनर हाउसिंग में आपको काफी हद तक डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, या फिर जिस भी हिसाब के आप इसका डोर विंडो या फिर इसका एक्सटीरियर या फिर इसका इंटीरियर लुक रखना चाहते हैं आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर टॉयलेट की फिटिंग्स या फिर आपका इलेक्ट्रिकल और एसी की फिटिंग्स वगैरह सारी चीजें आसानी से की जा सकती हैं। बाकी स्पेस को आप जितना भी फंक्शनल तरीके से यूज करना चाहें उस हिसाब से उसको यूज किया जा सकता है। अब चौथा पॉइंट आता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। तो कंटेनर हाउसेस की जो ड्यूरेबिलिटी है वो डिपेंड करती है मेनली आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस पर। अगर आपके एरिया का जो एनवायरमेंट है वो काफी स्टेबल रहता है, जैसे कि ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी अगर वहां पर है, तो कंटेनर हाउसिंग वहां पर एक अच्छे टाइम तक चल सकती है। बाकी अगर आपको किसी ऐसे एरिया में इस्तेमाल करना है जो बहुत ही ठंडा है या फिर बहुत ही गर्म है, तो बहुत तरीके की इसमें क्लैडिंग्स और पैनलिंग्स आती हैं जो आप इसके एक्सटीरियर में या फिर और इंटीरियर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एक अच्छी पैनलिंग इसके ऊपर करते हैं तो आप ये मान लीजिए इसका जो लाइफ है वो 30 से 40 साल तक भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉस्टिंग। कंटेनर हाउसिंग की जो कॉस्टिंग है वो आरसीसी के घर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम आती है। तो मेनली इनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है कि आपको किस साइज का कंटेनर चाहिए और किस हिसाब की उसमें फिनिश चाहिए, किस हिसाब का आपको उसके अंदर मटेरियल चाहिए और किस एरिया में आपको वो कंटेनर हाउस चाहिए, उस पर भी कॉस्ट डिपेंड करती है। बाकी मैं आपको एक आइडिया के लिए बताऊं तो 10x20 फीट का जो कंटेनर है वो आपको अगर आप एक ओके फिनिश उसके अंदर लेते हैं तो वो 3 से लेके 5 लाख तक का आपको कॉस्ट कर सकता है। तो ये अब जानते हैं कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस जो आप कंटेनर हाउसिंग को जब इस्तेमाल करेंगे आपको फेस करने पड़ेंगे। तो मेनली इसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो आता है टेम्परेचर का। तो गर्मियों में ये थोड़ा सा गर्म और सर्दियों में ये काफी हद तक ठंडा रहता है। इसमें इंसुलेशन के लिए एक फोम टाइप का एक मटेरियल यूज किया जाता है जिससे कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, बट फिर भी ये एक लोहे से बना बॉक्स है
तो आप जानते हैं लोहे का जो नेचर होता है वो इस टाइप का होता है कि वो हीट को भी और कोल्डनेस को भी बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। एक प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में जाके इसमें थोड़ा सा फिटिंग वगैरह का भी आने वाला है, जैसे कि आजकल जो बदलती हुई टेक्नोलॉजी है उसके साथ आपके जो घर के अंदर यूज होने वाले अप्लायंसेज है वो भी काफी मॉडर्न होते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे अप्लायंसेज है जिसको इन कंटेनर्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो इनको ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इसका स्ट्रेंथ कैसा है। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो आरसीसी कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में कम होती है। अगर आप अपने रहने के लिए या फिर अपने ऑफिस के लिए एक सेफ और काफी सिक्योर जगह ढूंढ रहे हैं तो कंटेनर्स में इस तरीके का स्पेस यूज करना वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बाकी ऐसा भी नहीं कि कोई भी इसको इजिली ब्रेक कर सकता है, बस इनकी जो स्ट्रेंथ है वो आरसीसी की वॉल्स के कंपैरिजन में कम है। बाकी इसमें मेरा ओपिनियन भी यही रहता है कि अगर आप परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाह रहे हैं या फिर आप अपना कोई कमर्शियल स्पेस बनाना चाह रहे हैं जो आप चाहते हैं कि कुछ समय के लिए आपके लिए काम करे, तो कंटेनर ऑफिस या हाउस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन इनका कंपैरिजन आरसीसी के बने घरों से करना वो गलत होगा। तो ये था हमारा वीडियो कंटेनर हाउसिंग के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नॉलेज के साथ।